तो आप सभी का फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बारे में। रुको रुको, वर्ल्ड के बारे में नहीं, मतलब वर्ल्ड के बारे में भी करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हम बात करेंगे एशिया की। लेकिन एशिया में 48 कंट्रीज है, इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया, यानी इंडिया से ही हम शुरुआत करेंगे। तो इंडिया में गायों को पवित्र माना जाता है और इन्हें कामधेनु भी बोला जाता है और मानते हैं कि इनसे जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इंडिया की सबसे ऑफिशियल रिलीजन हिंदुइज्म है और आपको शायद ही पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म ही है, जिसे 1 बिलियन पीपल फॉलो करते हैं। और आपको हम बता दें कि ताजमहल कोई पैलेस नहीं है, वो एक टोम है जिसे 1632 में बनाया गया था और बनाने वाले और कोई नहीं शाहजहां थे, जिन्होंने अपने बेगम की याद में बनाए थे और उसमें करीब 28 डिफरेंट स्टोन यूज किए गए हैं। इंडिया एक पहला ऐसा देश था जिन्होंने डायमंड को खोदा था और ये बात है 4th century BC, जो कि 1000 साल के आसपास था। और हाँ, प्योर डायमंड खोजा गया था कृष्णा रिवर डाल्टा में, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और हम आपको बता दें, पूरी इंडिया वेजिटेरियन नहीं है, सिर्फ 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, और जितने भी इंडियन हैं वो सारे चिकन फिश ये सब खाते हैं और कुछ जगह में भैंसों को भी काट के खाया जाता है। इंडिया दूसरे नंबर पे आती है ऑफ कोर्स अंग्रेजी बोलने वाले देशों में से इन द वर्ल्ड। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट, भूल मत जाना सब्सक्राइब करके ही जाना।